फैसला आपका, क्योंकि जिंदगी है आपकी। लेकिन फिर मत कहना कि आपने बताया नहीं। अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए कहीं और मत जाइए। देश के सबसे बड़े सेक्युलर अखबार नेशनल हेराल्ड की इस खबर पर ही नजर डाल लीजिए। यूनिसेफ की साफ साफ चेतावनी हमारे भारतीय युवाओं को कि 21वीं शताब्दी में पैदा होने वाली नौकरियों के लिए आधे से ज्यादा भारतीय विद्यार्थियों के पास स्किल ही नहीं होगा। ये वही अखबार है जिससे जुड़े लोग प्रधानमंत्री मोदी की मजाक ये कहकर उड़ाते हैं कि वो देश के लोगों को पकौड़े तलने का स्किल दे रहे हैं। नाले में से पाइप लगाओ, ढाबे में जो कुकर होता है उसमें लगाओ और ढाबे में पकौड़े बनाओ। यह है नरेंद्र मोदी जी की हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार देने वाली स्ट्रेटजी। बीते 5.5 सालों से प्रधानमंत्री मोदी चीख चीख कर कह रहे हैं कि देश को आगे ले जाना है, युवाओं का भविष्य बनाना है, तो जरूरत उन्हें स्किल प्रदान करने की है। हमने एक बीड़ा उठाया है स्किल डेवलपमेंट। हमारे नौजवानों में उसके हाथ में हुनर हो, काम करने का अवसर हो, तो एक आधुनिक हिंदुस्तान खड़ा करने की उसमें ताकत होती है। और इसलिए स्किल डेवलपमेंट पर हमने बल दिया है। वैसे मोदी सिर्फ कहते नहीं हैं, करते भी हैं। उन्होंने युवाओं को स्किल प्रदान करने के लिए स्किल इंडिया के नाम से पूरी योजना ही चला दी, जो अब तक देश के लाखों युवाओं को निखार चुकी है। इन लाखों युवाओं में कोई नौकरी कर रहा है तो कोई अपना बिजनेस शुरू कर दूसरों को ही रोजगार दे रहा है। यूनिसेफ की ये रिपोर्ट हमारे लिए गंभीर चिंतन का विषय है, क्योंकि हम तो उस देश में रहते हैं जहां पीढ़ियां दर पीढ़ियां एक ही काम से अपनी पहचान बना लेती हैं। एक ही काम जब पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है तो स्किल और पैना होता जाता है। उस एक स्किल से ही घर के कई कई सदस्य रोजगार पा लेते हैं और उन्हें ज्ञान लेने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। कभी हमारे लोहार, बढ़ई, बुनकर, नाई, बसोर सिद्धहस्त हुआ करते थे, उनकी तूती बोलती थी। आज अपने पुश्तैनी काम को छोड़ने के बाद देख लीजिए क्या हाल है। आज एक खास प्रोपोगेंडा के तहत ऐसी व्यवस्था के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। एक तरफ जनसंख्या बढ़ रही है तो दूसरी तरफ हम आधुनिकता के नाम पर अपनी ऐसी परंपराओं को छोड़ रहे हैं जिन्होंने हमें सदियों तक जोड़ कर रखा। वो तो आपको सही रास्ता ही दिखा सकते हैं, आगे बढ़ने के लिए माहौल दे सकते हैं, सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं, मगर आपको कैसी जिंदगी चाहिए ये फैसला लेने का हक तो सिर्फ आपको ही है। फैसला आपका, क्योंकि जिंदगी है आपकी।